हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको सुनाऊंगा आज कृष्ण की कहानी। सुनिए, मथुरा में एक कंस नाम का राजकुमार रहता था। उसकी बहन का नाम था देवकी। कंस को एक बार एक आकाशवाणी सुनाई दी कि जिस बहन की तुम शादी करा रहे हो खुशी खुशी, वो बहन उसी बहन का बेटा तुम्हें मारा लेगा। तो तभी कंस ने गुस्से में देवकी को और उसके पति को जेल में डाल दिया था और फिर उसके सारे बच्चों को एक एक करके मार दिया था। फिर उनमें से दो बच्चे जो छुप गए थे, बड़े वाले का नाम था बलराम, छोटे वाले का नाम था कृष्णा। फिर उसके बाद देवकी के पति वासुदेव यमुना नदी पार करके कृष्णा को यशोदा के पास छोड़ आए थे और उसके पास बेटी का जन्म हुआ था, उसको उठा लाए थे और जेल में अपने साथ रख लिया था। फिर कंस ने यह सोचा कि यशोदा माता की बेटी जो थी जिसको वासुदेव जी उठा लाए थे, उसको भी मार देना चाहिए। फिर कंस ने उसको पत्थर पर पटक के मारने की कोशिश की। फिर उसके बाद वो उछलकर ऊपर पहाड़ों पर चली गई। फिर योग माया आज वो ही कहलाती है। फिर योग माया ने ऊपर से हंसते हुए कहा कि मूर्ख, तू मुझे मारना चाहता है, तेरे मुझे मारने वाला तो पैदा भी हो चुका है। फिर तभी कंस को पता चल गया था कि कृष्ण भगवान का जन्म हो चुका है, उसी के लिए जन्माष्टमी मनाते हैं।